वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को पीटने का मामला सामने आया है, जहां कुछ छात्रों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की टिप्पणी को लेकर पिटाई कर दी और इस दौरान प्रोफेसर के गले में चप्पल की माला भी पहना दी। बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक वरिष्ठ प्रोफेसर और छात्रा की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद BHU के कुछ छात्र प्रोफेसर की टिप्पणी को लेकर भड़क उठे और उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास रूम में ही पिटाई कर दी। इस पिटाई में असिस्टेंट प्रोफेसर मनोज वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें BHU ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आज ये हुआ है कि उनके चैम्बर में बैठे थे बच्चे और उसके बाद मैं क्लास गया लेने, क्लास लेने जब गया तो उसके बाद बच्चे सब हमारे क्लास में आ गए और आने के बाद जो है हमको मारने पीटने लगे। उसके बाद क्या हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद जो है मैं देखा कि हेड भी उस समय चैम्बर बंद करके भाग चुके थे, यानी कि हमारे विभागाध्यक्ष द्वारा पूर्णतः स्पष्ट होता है कि पूरा प्रायोजित और हमारे खिलाफ जो है इस तरह का कराया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा विश्वविद्यालय प्रशासन से और कि तुरंत त्वरित कराई उनके किया जाए और तुरंत सस्पेंड किया जाए उनको। एक आरोप भी लग रहा है कि जी फेसबुक पर जी फेसबुक पर जो फोटो लगा था वो ऑलरेडी पहले से किसी ने लगाया था, मैंने कोई लगाया नहीं है कि कोई नया चीज़ कहीं से चुरा के लगा दिया है। वो फोटो ऑलरेडी लगा हुआ था हमारे प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी, जो बराबर हर साल किसी टीचरों से पूछते नहीं है कि कौन जाएगा टूर पर, नहीं जाएगा, खुद टूर लेके जाते हैं। खुद जाते जब टूर पर हैं तो समुद्र में जाके नहाते हैं, भैया एकेडमिक टूर है, आप समुद्र में जाके क्या करते हैं। वही फोटो था जिसको लेकर के क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने उसको शेयर कर दिया था, लगा दिया था, हाँ छात्रा के साथ था। तो उस छात्रा को मैं नहीं जानता हूँ, ना छात्रा से मेरा कोई मतलब है, मेरा मेन मतलब है विभागाध्यक्ष से कि विभागाध्यक्ष महोदय के एक प्रतिष्ठित पद पर होते हुए आपको इस तरह के फोटो शेयर नहीं करना चाहिए, ना लाइक करना चाहिए और ना इस तरह का जो है आपको कमेंट करना चाहिए उस तरह की चीजों में। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के बर्ताव को लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है। छात्रों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर को तुरंत पद से हटाया जाए। सर हम लोग एजुकेशनल टूर पे गए थे, वो हमारी प्राइवेसी है कि हम फेसबुक पे कैसे भी कपड़े पहन के फोटो डालें, ठीक है, आपको इसमें राइट नहीं बनता कि आप हमको जज करें, ठीक है। तो सर उन्होंने जज किया कि हम प्रोफेसर के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, इसमें आपको क्या परेशानी है, छोटे कपड़े पहन रहे तो इसका मतलब हमारा कैरेक्टर खराब है या हमारे प्रोफेसर का, क्या बाप के सामने बेटी कपड़े नहीं पहनती छोटे, पहनती है ना सर। तो ये जो किए हैं सर ये गलत है और हम लोग इसे ये चाहते हैं कि वो सॉरी भी सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको सॉरी भी सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहिए ना। जरूरी है सर कि उनकी बहन बेटी हो तभी वो सॉरी एक्सेप्ट करे इस चीज़ को लेके। सर हम लोग चाहते हैं कि इस पद पर ये आए दिन हमारी बहनों के साथ फप्तियाँ कसना, फेसबुक पर भद्दे भद्दे पोस्ट डालना, उनकी फ़ोटो निकाल करके रात में उनको मैसेज करना, अश्लील इशारे करना, पीछे उनके मतलब जब वो जाती हैं कॉलेज से तो उनका पीछा करते हैं, वो आए दिन उनका ये काम है। अभी हाल ही में कई फेसबुक पोस्ट उन्होंने डाला था और हमारी छोटी बहनों को बदनाम करने की चेष्टा की थी और आज से नहीं, ये कई दिनों से सालों से चलता आ रहा है। हालांकि BHU की चीफ प्रोक्टर रोयना सिंह का मामले में कहना है कि FIR दर्ज करा दी गई है और जल्द ही विवाद को सुलझा लिया जाएगा। लगभग 12:05 पे कंट्रोल रूम को जैसे ही पता चला कि सोशल साइंस डिपार्टमेंट में एक टीचर को कुछ लड़के घेर के मारा है, तुरंत ही यहाँ सिक्योरिटी टीम पहुँची है और उनको लेके हम लोग यहाँ आए थे और हम लोगों ने तुरंत उनका जो है व्याख्यान ले लिया है और तुरंत FIR दर्ज करा दी चौकी इंचार्ज के प्रेजेंस में। साथ ही साथ एक छात्र छात्राओं का एक और ग्रुप था, उन्होंने भी कंप्लेन दी है उन टीचर के खिलाफ, उसको भी हम लोगों ने अग्रिम कार्रवाई के लिए लंका थाना भेज दिया है। वजह क्या है? फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और गुस्साए छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर को पद से हटाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।